राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पश्चिम बंगाल के दो दिवसीय दौरे पर है। आज यानी दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19वीं सदी में स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन के वैश्विक मुख्यालय बेलूर मठ का मंगलवार को दौरा किया। मिशन के महासचिव स्वामी सुब्रंदाजी महाराज ने मुर्मू की अगवानी की। इसके बाद में राष्ट्रपति कोलकाता में यूके बैंक के 80 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित समारोह में शिरकत। इस मौके पर उन्होंने क्या कहा, ये सुनते हैं। बैंकों की दो मूलभूत जिम्मेदारियां होती है। पहली जिम्मेदारी ये है कि उन्हें जनता के पैसे के संरक्षण के रूप में कार्य करना है। उनकी दूसरी जिम्मेदारी ये है कि उन्हें वर्तमान की बचत निधियों का उपयोग भविष्य के लिए एसेट क्रिएशन हेतु करना है। इन दोनों जिम्मेदारियों को संतुलित रूप से निभाना हर बैंक के लिए एक चुनौती भी है। कभी कभी इन दोनों के बीच संतुलन बिगड़ जाने के कारण विश्व में विभिन्न भागों में चिंताजनक आर्थिक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। सभी बैंक उन लाखों लोगों के विश्वास को बनाए रखने के लिए कर्तव्यबद्ध, और जो बैंक में अपनी बचत की राशि रखते हैं उनका विश्वास को जीतना है। मुझे विश्वास है कि यूको बैंक का प्रोफेशनल स्टाफ और सतर्क नेतृत्व इन जिम्मेदारियों का प्रभावी रूप में निर्वहन करेगा। उनका विश्व विख्यात कवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय के वार्षिक दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए बाद में शांति निकेतन का दौरा करने का भी कार्यक्रम है। गुरुदेव मेड इमेंस पर्सनल सैक्रिफाइसेस टू बिल्ड एंड सस्टेन दिस ग्रेट अवार्ड ऑफ लर्निंग। ही सोल्ड हिज अनसेंट्रल प्रॉपर्टी एट पुरी इन ओडिशा। हिज वाइफ सोल्ड हर ऑर्नामेंट्स। लेटर ही यूज्ड टू यूज द मनी ही रिसीव्ड ए पार्ट ऑफ द नोबेल प्राइज फॉर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हियर। ही सेड an example of great personal sacrifice for a noble collective cause. I believe that the joy of giving is the greatest joy, and Gurudev's generosity is one of its finest examples. Students and teachers of the Vishwa Bharati community owe it to Gurudev to follow his spirit of giving. I once again congratulate all the students for their accomplishment. I am sure that the Vishwa Bharati family will continue to move ahead with the grand vision of universal well-being. I wish the students, teachers and everyone associated with the university a very happy and fulfilling future ahead. In the end, I bow in reverence to Gurudev Rabindranath Tagore.